गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर ठीक है हम इसमें क्या पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर यह चैनल का नाम मेरे ठीक है इसमें हम पढ़ेंगे डेली डेली करंट अफेयर ठीक है क्या नाम है पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे हम ठीक है रोज सुबह दस बजे का बैच है ठीक है इसमें हम डेली करेंट पर पढ़ें। प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार कौन से प्रसिद्ध प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार चंद्रशेखर कौन से चंद्रशेखर पटेल ठीक है किस क्या नाम था इनका चंद्रशेखर पटेल ठीक है ये क्या है इनका जो कि जिन्हें किसके नाम से इनका एक शॉर्ट नाम भी था जिन्हें कन्नड़ में कन्नड़ के लोग इन्हें चंपा नाम से जानते थे क्या हुआ इनका निधन हो गया ठीक है कब हुआ इनका निधन ग्यारह जनवरी को इनका निधन हुआ प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्य का चंद्रशेखर पटेल जिनको जिनका मतलब एक तरीके शॉर्ट नाम क्या था चंपा ठीक है इनका क्या हो गया निधन हो गया ठीक है ये इन्होंने कर्नाटक साहित्य पुरस्कार साहित्य पुरस्कार और उन्होंने पंपा पुरस्कार जीता था ठीक है इन्होंने दो पुरस्कार जीते थे जिनके बारे में बताया गया कर्नाटक साहित्य अकेडमी पुरस्कार और चंपा पुरस्कार इन्होंने जीता था ठीक है ये क्या थे प्रसिद्ध कर्नाटक साहित्यकार थे चंद्रशेखर पटेल चंपा इनको शॉर्ट फॉर्म जिनका शॉर्ट नाम क्या था चंपा ठीक है इन्होंने इस चीज को क्या किया हासिल किया ठीक है एक अपना हासिल किया ग्यारह जनवरी को क्या था लाल बहादुर शास्त्री की तिथि थी ठीक है क्या था ग्यारह जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की तिथि के रूप में मनाया गया मतलब इनकी पुण्यतिथि थी इस दिन ये 1964 से 1966 में सेकंड पीएम के रूप में रहे पीएम के रूप में इन्होंने क्या किया अपना कार्य इन्होंने कितना उन्नीस से उन्नीस में इन्होंने पीएम के रूप में क्या किया अपना कार्यकाल किया इनका नारा इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा था ठीक है इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा था इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान क्या था जय जवान जय किसान ठीक है इनका नारा था किसका लाल वाद्य शास्त्री का क्या नारा था जय जवान जय किसान ठीक है इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में ठीक है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था ठीक है इन्होंने 11 जनवरी 1966 में कितने 11 जनवरी 1966 में क्या हुआ था तास्कंत के तास्कंत में इनकी क्या हुई थी मृत्यु हुई थी ठीक है उन्नीस थी छियासठ में ताशकंद में निकी हुई थी। क्यों, किस वजह से हुई थी इन्होंने पाकिस्तान के पीएम ठीक है उस टाइम पाकिस्तान के सॉरी पाकिस्तान के राष्ट्रपति एम अबू अबू एम अबू खान के साथ युद्ध विराम की घोषणा पर हस्ताक्षर करने और उन्नीस के युद्ध को समाप्त करने के लिए गए थे उसी दौरान इनकी इनका क्या हुआ था एक तरीके से इन पर हमला होकर इनकी मृत्यु हुई थी ठीक है किसमें ताशकंत के, के में इनकी मृत्यु हुई थी, थी? लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंत में क्या हुई थी मृत्यु हुई थी इन उन्नीस पे, के युद्ध को समाप्त करने के लिए ये पाकिस्तानी के राष्ट्रपति एम अबूज अबूब खान के साथ इन्होंने हस्ताक्षर कि इसके बाद ये जब लौट रहे थे तो ताशकंत में इनका क्या हुआ निधन हो गया ठीक है तत्कालीन जो पीएम थे जिनका ऐसे पीएम थे जिनका देश के बाहर मृत्यु हुई इनकी ठीक है श्रम एवं रोजगार श्रम एवं रोजगार मंत्री ठीक है श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भूपेंद्र यादव द्वारा ठीक है इनके द्वारा क्या किया गया श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ग्यारह जनवरी कितनी ग्यारह जनवरी दो ग्यारह जनवरी को इन्होंने क्या किया रोजगार श्रम की दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी की ठीक है इन्होंने क्या किया रोजगार श्रम की दूसरी तिमाही जारी रिपोर्ट जारी की ठीक है दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी की ठीक है किसने की श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा रोजगार श्रम की दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी की इस तिमाही रिपोर्ट के अनुसार ठीक है इस तिमाही रिपोर्ट के अनुसार बी निर्माण क्षेत्र बी निर्माण क्षेत्र थर्टी नाइन परसेंट शिक्षा शिक्षा का क्षेत्र बाईस परसेंट ठीक है और स्वास्थ्य के लिए दस परसेंट और अनुमान अनुमानित श्रमिकों संकलन करता है ठीक है ये बताया गया है किसके द्वारा बताया गया है ये इन, इनकी तबाही रिपोर्ट है बताया कि विनिर्माण क्षेत्र कितना है फोर्टी थर्टी नाइन परसेंट शिक्षा का बाईस परसेंट स्वास्थ्य का दस परसेंट अनुमानित श्रमों को संगला करता है ठीक है इसमें महिलाओं का ठीक है इसमें महिलाओं महिला कारीगरों की संख्या कितनी महिलाओं कारीगरों की संख्या ठीक है महिला कारीगरों की संख्या थर्टी टू पॉइंट वन फोर परसेंट सॉरी थर्टी टू पॉइंट वन परसेंट थर्टी टू पॉइंट वन परसेंट इनकी क्या है महिलाओं की रोजगार की संख्या ठीक है इस चीज को बताया गया है ठीक है किसके द्वारा बताएगा भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा भूपेंद्र यादव के द्वारा इस चीज को बताया गया है ठीक है एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है किसने तुर्कमेनिस्तान ने ठीक है तुर्कमेनिस्तान के पीएम क्या नाम है निका गुल बगुली ठीक है गुल बगुली मुखा में दो है इन्होंने क्या किया है इनके तुर्क के पीएम है जो गुल गुल, गुल बंगुली बाड़ी मुखा में दो ठीक है इन्होंने बताया है कि ये अपने देश के कौन से देश के गेट टू हेल मतलब कि इनके रेगिस्तान में क्या वो एक रेगिस्तान में क्या है बहुत बड़ा गैस का भंडार था जिसको 1971 में क्या यह इनके मतलब सोवियत संघ द्वारा इस चीज़ को उन्होंने माचिस मतलब इसको उन्होंने सोचा कि इसमें जो गैस है उसको जला दिया जाए तो उन्होंने माचिस से इसको जला दिया और वो आज तक जल रहा है कई दशकों से वो आज तक जल रहा है जिसको अपन लोग उनके जो तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में है ठीक है उनके देश में इसको देश उनके देश में इसको गेट वे टू हेल कहा जाता है क्योंकि इसमें 24 घंटे मतलब हमेशा आग जलती रहती है इसको बजाया नहीं मतलब इसको बजाया ही नहीं गया मतलब बजाने का प्रयास भी किया ये बुझी नहीं ठीक है तो क्या हुआ उस चीज़ को एक बिसाल का रेगिस्तान के गैस क्रिएटर के दशकों से जल रहा है मतलब एक जे गेट वे टू जो एक तरीके से क्रिएटर है गैस क्रिएटर जिस बहुत टाइम से जल रहा है दस गो से उन्नीस सौ इकहत्तर से अभी तक 2022 तक लगातार जल रहा है जिसको जिसको बुझाने के लिए ठीक है जिसको बुझाने के लिए किसने इन्होंने बोला इस आग को बुझाना बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ के पीएम? एम यहाँ के पीएम ने क्या किया कि इस आग को मतलब गेटवे टू हेल की आग को बजाने के लिए इन्होंने किसने इनके देश के तुर्कमेनिस्तान के पीएम ने बोला कि हमारे देश में जो आग जल्दी इसको बजाया जाए इस आग से इस आग से पर्यावरण पर्यावरण एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य स्वास्थ्य के कारणों से ठीक है स्वास्थ्य के कारणों से इस चीज को बजाया जाए और एक कारण और दिया इसका इस गैस का क्या करेंगे निर्यात करने का फैसला ठीक है अब जो वहाँ से अब देख पा होता कोई भी गैस है ठीक है उसको बजा दिया गया ठीक है तो गैस तो ऊपर जाएगी वायुमंडल में तो उस चीज़ के इन्होंने बाय इन्होंने और आग जल रही उसमें इस टाइम तो उससे पर्यावरण को स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच रहा है ठीक है और जो गैस बर्बाद हो रही उसका यूज़ करेंगे ये उसका निर्यात करने का फ़ैसला किया ठीक है ठीक है उस चीज़ का निर्यात करने का फैसला और ये आग किसने लगाई थी उन्नीस में इस आग को किसने लगाया था ठीक है इस आग को किसने लगाया था इस आग को लगाया था 1971 में किस में किसमें में सोवियत ड्रिलिंग द्वारा सोवियत ड्रिलिंग ठीक है सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन द्वारा ठीक है सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा इस आग को लगाया गया था जो कि अभी तक लगातार रूप से जल रही है ठीक है ठीक है ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है ऑनलाइन बीमा ठीक है ऑनलाइन बीमा जो प्लेटफॉर्म था क्या नाम इसका रिन्यू वाय क्या है एक बीमा ठीक है इन्होंने क्या किया है <coughs> इन्होंने राजकुमार राव ठीक है राजकुमार राव को अपना क्या किया ब्रांड एम्बेस्टर बनाया किसको राजकुमार राव को क्या किया राजकुमार राव को क्या बनिया बनाया अपना ब्रांड एम्बेस्टर बना लिया ठीक है और इनका क्या नाम है इस इस यह कंपनी ठीक है मतलब कंपनी ठीक है कंपनी क्या कर रही है कंपनी स्मार्ट टेक स्मार्ट टेक ठीक है और राइट ऑफ राइट राइज वाइट अभियान का हिस्सा एक तरीके से कहना है कि ये कंपनी क्या है जब इनको ब्रांड एम्बेस्टर बना रही तो इनके द्वारा कंपनी स्मार्ट टेक राइट्स और राइट ब्राइस राइ ब्राइस अभियान का हिस्सा लेगी जो सत्तर करोड़ ग्राहकों का लक्ष्य है ठीक है इसका लक्ष्य क्या है कि ये सत्तर करोड़ ग्राहकों ठीक है कितने हाँ सत्तर करोड़ ग्राहकों को क्या करे? अपनी करें अपनी ओर आकर्षित करेगा मतलब ये ऑनलाइन बीमा लेने के लिए प्रोत्साहन कर रही है कि सत्तर करोड़ ग्राहकों का इन्हें क्या किया है एक तरीके से लक्ष्य रखा है कि इतने लोग आकर हमारा बीमा खरीदेगा जब हम इन्हें ब्रांड एम्बेसिडर बनाएंगे और इनके द्वारा कंपनी का स्मार्ट टेक और राइस राइट और राइवाइस अभियान की तरह इन चीज़ इनका मतलब ब्रांड एम्बेसिडर का उपयोग करेंगे ठीक है इस चीज़ को बताया गया है ठीक है स्टेचू ऑफ यूनिटी ठीक है स्टेचू ऑफ यूनिटी इसका क्या नाम इसके पास जो स्टेशन था स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास जो बंड्रा ठीक है कहाँ पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बाद जो केवड़ा केवड़िया स्टेशन था ठीक है उसको क्या कर दिया इसका नाम चेंज कर दिया किया, इसका नाम चेंज कर दिया ठीक है इसका नाम चेंज कर दिया इसका नया नाम कर रखा एकता रेलवे स्टेशन ठीक है इन्होंने क्या नाम रख दिया रेखता रेलवे स्टेशन नाम रख दिया यूनिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास था केवड़िया स्टेशन नाम था और ये किस डिवीज़न में आता था ये आता था डिवीजन बदावर, ठीक है इस डिवीजन के अंतर्गत बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत आता था, था और ठीक है और ये स्टेच्यू यू, ऑफ यूनिटी के पास था ठीक है इसलिए इस स्टेशन का नाम बदल दिया गया स्टेशन का नाम रख दिया गया एक था रेलवे स्टेशन इस स्टेशन का स्टेशन कोड इसका स्टेशन कोड इसका स्टेशन कोड क्या रहेगा ई ए, सॉरी ई ए के एन आर एकता एकता नगर सॉरी इसमें एकता नगर हो जोड़ लीजिए एकता नगर रेलवे स्टेशन ठीक है एकता नगर रेलवे स्टेशन ठीक है और इसका क्या रहेगा इसका न्यूमेरिकल कोड न्यूमेरिकल कोड क्या रहेगा इसका ठीक है जीरो आठ टू टू फोर फोर वन टू जीरो ठीक है इसका क्या रहेगा न्यूमेरिकल कोड रहेगा जीरो एट टू टू फोर सिक्स टू जीरो ठीक है इसका क्या रहेगा और इसका कोड क्या ई के एन आर ठीक है, है, है? इस स्टेशन का नाम क्या रखते हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया ठीक है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास था ठीक है इस स्टेशन से ये होगा कि देखो कोई भी स्टेशन का नाम उसकी जगह के मतलब प्रसिद्ध नाम के अनुसार रख अब देखना एकता स्टैचू ऑफ यूनिटी को ये दर्शाएगा स्टेशन क्या करेगा स्टेचू ऑफ यूनिटी को दर्शाएगा और स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक तरीके से एक तरीके से अपना मैं एक तरीके से एक अलग सही पहचान सी मिल गई इस स्टेशन से स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इस स्टेशन को पहचान मिल गई नहीं ठीक है रतन टाटा ठीक है रतन टाटा ने रतन टाटा की बायोग्राफी लिखी जा रही है ठीक है किसकी रतन टाटा की ठीक है रतन की क्या है बायोग्राफी लिखी जा रही है इस बायोग्राफी का क्या नाम है द ऑथराइड ठीक है ऑथोराइट ये लिखी जा रही है रतन टाटा की ये द ऑ ऑथोराइट बायोग्राफी ठीक है रतन टाटा के ऊपर ये बायोग्राफी है ठीक है इस पुस्तक को ठीक है इस पुस्तक को ये कब नवंबर 2022 में ठीक है नवंबर 2022 में वैश्विक स्तर पर क्या करेंगे इसका प्रचार कर देंगे किसके वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर क्या करेंगे वैश्विक स्तर पर क्या करेंगे इस चीज का एक तरीके से इस वैश्विक स्तर पर इस चीज को बढ़ावा देंगे ठीक है इसको लिखा किसने इसको लिखा है पूर्व नौकरशाही पूर्व वरिष्ठ नौकरशाही ठीक है क्या है पूर्व वरिष्ठ नौकरशाही नौकर शाह सॉरी नौकर शाह इसमें पूर्व वरिष्ठ नौकर शाह ठीक है और नियुक्त और सेवा निवृत्त अधिकारी ठीक है सेवानिवृत्त अधिकारी सेवा नृत्य आई अधिकारी ठीक है इनका नाम क्या है डॉक्टर थॉमस डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ठीक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा इसको लिखा गया है ठीक है इस चीज को बताया गया है इसको बताया गया है कि इनके द्वारा इस इनकी बायोग्राफी को लिखा जाएगा ठीक है और क्या है इसके आगे क्यों गया ठीक है ऑनलाइन ठीक है ओडिशा ओडिशा सरकार ने क्या किया ओडिशा सरकार ने उच्च विभाग में कौन से शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग में ठीक है क्या किया उच्च शिक्षा विभाग के तहत उसमें महिला कर्मचारियों को ठीक है महिला कर्मचारियों को मात्र आ। अ, मात्र तत्व ठीक है मातृ तत्व ठीक है मात्र तत्व तत अवकाश के लिए मतलब होता है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी अवकाश के लिए इन्होंने क्या किया महिलाओं को नब्बे से एक सौ अस्सी दिन मतलब नब्बे दिनों की जो सीमा थी तीन महीने की जो छुट्टी मिलती थी उसको बढ़ाकर इन्हें क्या कर दिया एक सौ अस्सी दिन कर दिया इसमें इससे सामान ने सामान्य सामान्य वर्ग ठीक है क्या हुआ सामान्य वर्ग के सरकारी क्या कर दिया इनने सामान्य वर्ग के सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों की आ, क्या की सी उम्मीदवारों की आयु ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी और इसमें एक तरीके से इसमें आयु सीमा ही बढ़ा दी बत्तीस से अड़तीस कर दी ठीक है बड़तीस से अड़तीस वर्ष इसकी मैं सीमा कर दी मतलब ओडिशा की उच्च विभाग शिक्षा मतलब उच्च विभाग की महिला कर्मचारी को ये काम किया और इन्होंने इन समान वर्ग मतलब ओबीसी वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया उसकी आयु सीमा बढ़ा दी मतलब एक तरीके से फॉर्म डालने की आयु सीमा बढ़ा दी बत्तीस से अड़तीस कर दी ठीक है आज के लिए इतना तो ही शाम को लूसेंट की क्लास होगी जो बच्चे आना चाहें वो लोग आए ठीक है किसी से जोर जबरस्ती तो है ही नहीं थैंक्स फ्रेंड्स जो रह गए हो उन लोगों को शाम को लूसेंट की क्लास में ऐड करा दीजिए